दोस्तों आखिरकार वही हुआ जो फैंस चाहते थे। सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज जो हैं अपने गिले शिकवे मिलाकर एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए और अब इनकी दोस्ती के अंदर पहले वाली दरार नहीं रहेगी। आपको बताने वाले हैं तीन रीज़न कि क्यों सिद्धार्थ और आसिम एक साथ सबसे बेस्ट जो है जोड़ी है घर के अंदर और क्यों ये दोनों फिनाले में जाने के लिए सबसे ज़्यादा उम्दा हैं। दोस्तों बात करें इन दोनों के सफ़र की तो दोनों शुरुआत से ही बेहतरीन गेम खेलते हुए नजर आए। दोनों जो भी हैं सबके सामने हैं, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते, जिस वजह से दोनों की काफ़ी ज़्यादा बनती है। यहाँ पर आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला कई मायनों में दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं। जहाँ दोनों का एग्रेसिव नेचर है तो वहीं आसिम को कई बातें समझ नहीं आती। हिंदी कमज़ोर होने की वजह से भी हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वो टॉन्ट को इजीली नहीं लेते और वो मजाक को कई बार समझ नहीं पाते हैं। दूसरी ओर सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी मजाकिया हैं लेकिन आसिम को वो बहुत अच्छे से अपना भाई मानते हैं। उन्होंने ये बात जब क्लियर की क्योंकि जब उन्होंने बताया कि घर के अंदर खुद के घर के अंदर वो छोटे हैं सबसे तो उन्हें लगता है कि उन्हें जितना प्यार मिला है किसी को नहीं मिला और वही छोटापन वो आसिम में देखते हैं कि वो छोटे भाई की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। वहीं आसिम इस बात को सुनने के बाद काफ़ी खुश नजर आए। दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। बस बात थी तो सिर्फ आंसुओं की, दोनों में से रोया को ही नहीं खुश काफ़ी थे। इसी के साथ नॉमिनेशन के टास्क के दौरान भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नज़र आने वाले हैं और हंसी मजाक से बात करते हुए नज़र आने वाले हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम की जहां लड़ाइयां बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर थी तो वहीं अब ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं। अब देखना होगा कि पारस की जो चालें थी वो सब उल्टी पड़ती हुई नज़र आएंगी। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप क्या कहते हैं कि इन दोनों में सबसे शानदार प्लेयर कौन है और फिनाले के अंदर इन दोनों की जोड़ी आपको देखनी है नहीं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को क्योंकि ये मिलती है बिग बॉस से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।